निकल जा यहाँ से, तू भी तेरे बाप के जैसे आकर के मरने वाला है, चल निकल जा, चल। तेरे बाप तेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं रखी है, इस घर में तेरे लिए कुछ भी रोटियां नहीं बचे, चल निकल जा यहाँ से, अरे जाकर भीख मांग तू, ए क्या है, चलो चलो भागो। पस्ता पहना वहां जाकर भीख मांग, तेरे चाचे के पास चद्दर भी ले ले, वो चद्दर भी दे देगी क्योंकि तू मेरे भाई का छोकरा है ना, अरे मैं भी एक रुपया फेंक दूंगा तेरे चद्दर पर, जाकर भीख मांग तू। जब तू भीख मांगने शुरुआत करेगा ना तब पता चलेगा, अरे झुकना क्या चीज है, रोटी कैसे मिलती है, गिर गिरा के अरे भीख मांगना तू। जब तू परमानेंट भिखारी हो जाएगा ना तब जाकर वो टीचर से माफी मांग, तब तक मेरे घर में आना नहीं, चुप जा, जा तू। काम वो है ही इसी लायक के, उसे निकाल देना चाहिए, रस्टिकेट कर देना चाहिए उसे, इतना बदतमीज लड़का है वो कि बस। रस्टिकेट तो कर ही दिया है हमने उसे शिल्पा, पर मिस्टर माथुर पता नहीं क्यों उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो गुंडा है, क्लासेस नहीं अटेंड करता, नकली मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाता है, स्टूडेंट्स टीचर्स डरते हैं उससे, फिर भी पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो। माँ उन्हें स्टूडेंट्स से वाकई बहुत लगाव है, स्टूडेंट्स भी तो वर्शिप करते हैं उन्हें। माँ जिस तरीके से उन्होंने संजीव को बदला है, रुशाली के अंदर जो तब्दीलियां ला रहे हैं, वो इतनी आसान बात नहीं है माँ। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती। पर क्यों? एक बार कह दिया ना कि नहीं जाना चाहती मतलब नहीं जाना चाहती, इसमें भी जबरदस्ती है, पर एक बार जवाब तो दे क्यों? सब मुझ पर हंसते हैं। तू कॉलेज इसलिए नहीं जा रही कि सब लोग तुझ पे हंसते हैं? हाँ झूठ मत बोल रुशाली, साफ साफ बोला कि तुझे गुस्सा लगा है कि अनिरुद्ध सर और शिल्पा मैम आपस में क्यों बात करते हैं। मुझे क्यों गुस्सा लगने लगा? अनिरुद्ध सर किसी से भी बात करें, वो टीचर है, वो 50 लोगों से बात कर सकते हैं, और शिल्पा मैडम का क्या, इसे देखती है बात करने लगती है। देख तेरे चेहरे पे कैसे गुस्सा जाहिर हो रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। रुशाली अगर तुझे अनिरुद्ध सर इतने पसंद है तो तू उनसे कह क्यों नहीं देती जाके? सोनम प्लीज मेरे साथ तो ऐसी बातें मत किया कर। ठीक है चल कॉलेज चल। मुझे नहीं जाना। अब तू चलती है या मैं पापा को बताऊं सब कुछ? देखो जहां तक संजीव की बात करती हो, रुशाली की बात करती हो तो बात समझ में आती है, मगर रविराज सुधर जाएगा ये मैं नहीं मानती। हर बार इंसान कामयाब नहीं होता अपने एक्सपेरिमेंट्स में, लगातार नहीं हो सकता, इसमें उसकी नाकाबिलियत नहीं है, बल्कि कभी कभी गिने पिग्स भी धोखा दे जाते हैं। माँ रुशाली संजीव या रविराज गिने पिग्स नहीं है, इंसान है वो, और अनिरुद्ध जी भी उन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो खेल होते हैं माँ, क्रॉसवर्ड की तरह, बन गया तो जीत का एहसास, वरना दोबारा अखबार उठाओ और फिर से शुरू। माँ ये सब अनिरुद्ध जी के जीवन का एक हिस्सा है, उन्हें खुशी मिलती है इन सब से। कहीं हल्का सा स्वार्थ भी रहता है इसमें शिल्पा। देखो ये जरा सी जीत या उसका एहसास या उसका असर भी ना हो तो मैं नहीं मानती कि वो साधारण इंसान हो। ये बदलाव जो संजीव में आया है ये अनिरुद्ध जी का स्वार्थ है माँ। कुछ देने की भी खुशी होती है शिल्पा, इंसान खुद को खुश रखता है कुछ देकर भी, अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को प्यार करता है, वो भी तो स्वार्थी है। कितना खुश होते होंगे अनिरुद्ध जी जब वो संजीव को देखते होंगे, अपनी खुशी है ये उनकी, अपना स्वार्थ है ये। चलता हूं बाबूजी। अरे संजीव एक मिनट बेटा,
जी बैठना। बेटा बहुत दिनों से मुझे एक चिंता सताई जा रही है। चिंता तो पहले भी थी लेकिन तब मैं अकेला था बेटा और अब हम दोनों हैं। बात क्या है बाबूजी? बेटा मुझे लगता है कि अब हमें निकी की शादी कर देनी चाहिए। बाबूजी बेटा कब तक हम उससे घर में बिठाए रखेंगे? कब तक वो कमाएगी और हम खाएंगे? बाबूजी उसकी कमाई के सारे पैसे उसी के साथ जाएंगे। वो पैसे हमेशा से उसी के थे। सागर बहुत अच्छा लड़का है बेटा, नेक है, शरीफ है और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो हमारी निकी को बहुत चाहता है। बेटा वो हमारी हैसियत को समझता है और उसकी कोई मांग भी नहीं है। पर मैं बाबूजी मैं निकी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूं। मैं उसे वो सब कुछ देना चाहता हूं जो हर लड़की अपने घर से लेने का हक रखती है। भाऊजी हम उसका कन्यादान बहुत ही रीति रिवाज के साथ करेंगे। हाँ बेटा यही बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। पर भाऊजी ये सब करना कब है? जल्द से जल्द। जल्द से जल्द तुम इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा भाऊजी। ठीक है बेटा तब मैं सागर से बात कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि वो भी क्या चलता है। यस मैडम ये गिरी जी ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। फोन कैसे लगे? अरे तुम्हें कैसे पता चला फोन पर मैं ही हूँ? वो घंटी से पता चल जाता है। अच्छा रौने तो क्या दिल भी तो यकीन दिलवाता है ना। देख लेना एक दिन यही दिल धोखा देगा। जानता हूँ मैम साहब लेकिन क्या करूँ इसका आदि हो चुका हूँ अब मैं। और फिर एक ही तो है अगर दूसरा होता या बाजार में मिलता तो फिर इसे फेंक कर दूसरा ले आता। नहीं फेंको मत रखो एक दिन यही काम में आएगा। अब तक तो नहीं आया देखो फूल भी भिजवा दिए मैंने। लगता है आज काम नहीं है तुम्हारे पास। मिलोगे शाम को? कंफर्म्ड। बाय बाय। पता है आज 21 जून है। हाँ तो क्या हुआ माँ? तुम बताओ। नहीं कुछ सूझ नहीं रहा। दिमाग पर जरा सा जोर डालो ना। हार गया। तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। तुम्हारे सामने आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे उमा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती कल मेरा जन्मदिन है। नहीं फिर भी मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या करते? मुझे फूल दे देते? नहीं
वो तो मैं कभी नहीं करता। तो फिर तुम तो वही कहते जो अभी कर रहे हो। नहीं फिर भी उमा, उमा कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी शादी एक भूल थी। नहीं उमा, मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है अपने इस पूरे दौर में, अपने मकसद में। मैं तुम्हारी एक उम्र चुरा कर ले गया हूं तुमसे। जो न मेरे किसी काम आई, न मैं तुम्हें वो लौटा सकता हूं। वो तो हो गया, अब उसका क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, शाम को कहीं मुझे ले जा रहे हो या नहीं? हाँ उमा, मगर मगर कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है। हाँ मैं उन्हें मना कर दूंगी, आज तुम सिर्फ मेरे पास रहो। मेरी चुराई हुई उम्र में से कुछ तो पल दे दो मुझे। सब तुम्हारे उमा, सब। बट जतिन इज राइट, सुनो शिल्पा मैडम और अनिरुद्ध सर के बीच कुछ चल जरूर रहा है। आजकल जिस तरह से वो अनिरुद्ध सर को देखती है, साफ पता चलता है उनकी आंखों से कि उनके मन में कुछ है। जाने दो ना सचित, हमें क्या लेना देना। अरे तुमने अनिरुद्ध सर को नहीं देखा, आजकल वो भी काफी रोमांटिक हुए है। आजकल या तो वो क्लास में दिखते है या फिर शिल्पा मैडम के साथ। देखा मैं बोल रहा था ना, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है बात करने का? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो वृषाली? मैं तो सर और शिल्पा मैडम के बारे में बोल रहा था। हेलो एवरीबॉडी, हेलो सर। हेलो हेलो वृषाली, वृषाली शिल्पा जी ने तुमसे हेलो कहा। सर मैंने जवाब दे दिया। अच्छा शायद मैंने सुना नहीं। हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं? ऑफ कोर्स सर। सोनम मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। आओ ना विशाली। नहीं सर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। विशाली चलो ना, 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। शाली अब तो मैंने देखा भी और सुना भी, तुमने जवाब दिया नहीं। क्या बात है शाली, किसी बात से तुम्हारा मूड खराब? नहीं सर। ठीक है शाली, तुम लाइब्रेरी जाओ, हम लोग चलते हैं। सचिन क्यों? जी सर चलिए। कमान सोनू, कमान सर। शिल्पा मैडम। रुशाली बिहेवियर सर, तमीज से बात करो। मन करता है कि उसको। रुशाली तुम्हें क्या हो गया आजकल? Why are you behaving so differently? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई हो, और तुमने आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया जिस तरह से तुम शिल्पा मैडम के साथ पेश आई हो। अगली बार देख लेना, इससे बदतर पेश आऊंगी। अगर ऐसा करोगी ना तो यू विल लूज अनिरुद्ध सर फॉरएवर, तुम उन्हें हमेशा के लिए खो दोगी। नेवर। रुशाली अगर किसी को जीतना है तो प्यार से जीतो,
नफरत से तो तुम सारे रिश्ते तोड़ दोगी, सब अपनों को खो दोगी। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम जिसे चाहो वो भी तुम्हें चाहे। हो सकता है कि वो किसी और को चाहता हो। और तुम्हें क्या लगता है, शिल्पा मैडम के साथ बदतमीजी करोगी तो अनिरुद्ध सर तुम्हें ज्यादा पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं रुशाली, वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। क्या तुम जानती हो कि अनिरुद्ध सर सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं? क्या बात है, आज बड़े फूल फूल। आज क्या, हर रोज भेजा जा सकता है। हर रोज क्यों, फूल हर रोज नहीं खिलते? खिलते तो है लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन क्या हर रोज भेजोगे? नहीं भेजूंगा, पूछा क्यों? क्यों? फूलों के साथ ज्यादती होती है उमा जी, वो अपनी दुनिया में इतने खिलते हैं, इतने महकते हैं कि तुम्हारे सामने आ जाने से वो शर्मा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनके लब पर बस एक ही शिकायत होती है। क्या? कि हमें एक ऐसे फूल के सामने क्यों भेजा जा रहा है जहाँ हमारी कोई कदर ही नहीं हो। गिरेश, तुम्हें आर्किटेक्ट नहीं, तुम्हें तो शायर या लेखक होना चाहिए था। ये सब तुम्हारे सामने ही निकल जाता है जब तुम मेरे पास होती हो, जब तुम मेरे सामने होती हो। देखो, तुम एक दिन मेरे साथ बैठो, तुम्हें देख देख कर मैं एक पूरी किताब लिख लूं जिसे पढ़कर तुम कुछ नहीं होगा मुझे, भगवान करे कुछ ना हो तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जी नहीं पाऊंगा। हूँ कहो रवि,